धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की लोकसभा शाहबाद से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री पद पर आसीन कृष्ण कुमार वेदी का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है और इस कड़ी में एक और नया विवाद छुड़कर आया है। मिली जानकारी के अनुसार शाहबाद से कंपोज बिरादरी के एक व्यक्ति सुखविंदर सिंह पर राज्य मंत्री कृष्ण वेदी ने कोई टिप्पणी की, जिसको लेकर कंपोज समाज के लोग एकजुट होकर राज्य मंत्री का विरोध कर रहे हैं। कंपोज समाज के प्रधान ने बताया, जिस व्यक्ति के बारे में राज्य मंत्री कृष्ण वेदी ने कहा है कि वह समैक का नशा करते हैं, या तो उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवा कर उसको झूठा साबित करें, और अगर उनके द्वारा कही गई बात झूठी निकलती है तो वह पूरी कंपोज बिरादरी से माफ़ी मांगे। ऐसे है जी, हमारे लोकल मंत्री कृष्ण वेदी जी जो यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने जो कंबोज समाज के शाहबाद ब्लॉक के उप प्रधान सुखविंदर सिंह के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर आज यहाँ एक विशेष मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि मंत्री जी ने जो कंबोज समाज के उप प्रधान के बारे में शब्द कहे हैं कि वो समैक पीता है, मंत्री जी ये सार्वजनिक तौर पर अपने शब्द वापस लें और कंबोज समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा कंबोज समाज इससे आगे बहुत सभी समाजों के साथ मिलकर बड़ी सख्त कार्रवाई करेगा। अगर आपकी ये शर्तें नहीं मानेगी, जैसे अभी लोकसभा चुनाव है और आगे विधानसभा चुनाव है, तो इन चुनावों में क्या रहेगा? हमारी इस बेल्ट में 26-27 गांव जो पड़ते हैं कंबोज बरादरी के पड़ते हैं जी, अगर मंत्री जी इस बात पर हमारी बात पर विचार नहीं करते तो मंत्री जी जब गांव में जाएंगे तो पूरे जोर से उनका वो, चाहे आज किसी लोकसभा के साथी के साथ भी जाते हैं तो उनका हम विरोध करेंगे, हर गाँव में विरोध होगा जी। सर क्या बताओगे आज की मीटिंग को लेकर? हमारे आदरणीय मंत्री जी श्री कृष्ण वेदी जी शाहबाद के MLA भी हैं और हरियाणा राज्य सरकार के अंदर राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने परसों शाहबाद के अंदर हुड्डा सेक्टर 1 में एक सभा को संबोधित करते हुए शरेआम मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो मेरा मेडिकल कराएं। जैसे उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि ये स्मैक बीतता है और नशे के अंदर पोस्टें करता है फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर, उस सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने अपना बयान दिया है कि सीमेंट कम डाला जा रहा था, जो कि उन्होंने खुद माना है कि वाकई में सड़क जो बन रही थी उसके अंदर सीमेंट कम डाला जा रहा है। बजाय मंत्री को उस सड़क की जाँच करवाने के लिए मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की है कि मैं स्मैक पीकर पोस्टें डालता हूँ, मेरा बकायदा नाम लिया, 5-5 रुपए की पर्ची काटता हूँ। मैं आपके चैनल से मंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि मेरा जनता के बीच में मेडिकल कराया जाए और उसका खर्चा भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि आप भ्रष्टाचारियों के साथी हो, आप भ्रष्टाचारियों के सर्वसर्वा हो, आपके कारण ही भ्रष्टाचारियों को शह मिल रही है। अगर आप सच्चे हो तो आप जनता के बीच में अपना नार्को टेस्ट कराएं, उसका खर्चा भी देने के लिए मैं तैयार हूँ, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या बताओगे आज की मीटिंग का? ऐसा है जी, ये सर हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी कंबोज साहब हमारे एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने हमारे सामने, हमने उनसे पहले पूछा कि आपके ऊपर इस मैच मुक वगैरह के, उन्होंने यहाँ सारी बरादरी में कसम खा के कहा कि मेरे खानदान में कोई स्मैक नहीं पीता, अगर कोई उसका टेस्ट कराए तो हम झूठे हैं, बिल्कुल वो मंत्री जी सच्चे हैं, हम झूठे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो हम सारे समाज, हमारा सारा समाज और हमारी जो भी और भाईचारा है सब हम विरोध करेंगे मंत्री जी का। तो सर 2019 का ये जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा का, तो इसमें क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? रणनीति अभी तो ये, अगर वो मंत्री जी बाइज्जत माफ़ी मांग लेते हैं सारे समाज से, अपने शब्द वापस ले लेते हैं, तो हम सारा समाज फिर भी उनका साथ देंगे। हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया किसके साथ देना, यदि वो नहीं मांगेगा तो हम सारा समाज, जो भी सारे हमारे समाज के मौजूदा आदमी फैसला करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरजीत सिंह। कहाँ से? शहीद उधम सिंह मोबाइल सोसाइटी का प्रधान हूँ मैं, यहाँ शाहबाद से। अर्थ प्रकाश TV के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट।